हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ बेबीज के लिए, जो कि 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बच्चों को दे सकते हैं, जिसका नाम है आटा हलवा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कड़ा प्रसाद। ये एक क्लासिक नॉर्थ इंडियन स्वीट डिश है गाइस, और ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी डिश है। अगर आप अपने बेबी को वीट इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करवाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने अपने बेबी को ये रेसिपी स्टार्ट कर दी थी अराउंड 6.5 मंथ की जब वो थी, तभी मैंने स्टार्ट कर दी थी। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए हैं, आटा, घी एंड जागरी। इन तीनों के बेनिफिट्स जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। नाउ लेट्स रोल टू द बेनिफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं हम आटा से। आटा बच्चों को क्यों देना अच्छा है? आटा एक अच्छा वे आउट है बच्चे में आयरन, कैल्शियम और विटामिन B6 की कमी को पूरा करने के लिए। अगर मैं आटे के ऑल ओवर बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, तो आटे में विटामिन, मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हर एक चीज़ की मात्रा बहुत अच्छी है। सेकंड हम बात करेंगे देसी घी। देसी घी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है गाइस, जिसकी वजह से आपके बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से होता है। जिन बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा है या पतले आपको लग रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत पतला है, तो उसको देसी घी दी, बच्चों का वेट गेन होता है और साथ के साथ मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट करता है बच्चों को, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, जो ही है जैगरी। सबसे पहला बेनिफिट जैगरी का ये है कि बच्चों में खून की कमी वो होने नहीं देता है। सेकंड, बोन्स स्ट्रॉन्ग करता है। जैगरी में फास्फोरस एंड कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी दी गई है, जिसकी वजह से बच्चों के बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। थर्ड, इंक्रीज इम्यूनिटी। वो कैसे? जैगरी में भरपूर मात्रा से कैल्शियम है, विटामिन है, मिनरल्स है, जिंक है, फास्फोरस है, तो ये सभी मिलकर एक साथ बच्चों में इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं। फोर्थ, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपके बच्चों में। जैगरी में 97% जो है शुगर होती है, जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम लेती है, वो बहुत स्लो अब्जॉर्ब होती है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके बेबी को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी ज़्यादा देर तक चलेगी। सो गाइज, ये थे तीनों इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स। बहुत ही हेल्दी डिश है ये बच्चों के लिए और बहुत ही हेल्पफुल है ये वेट गेन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। सो गाइज, सबसे पहले आपने 10 टेबल स्पून देसी घी ले लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब जैसे कि 10 टेबल स्पून आपने देसी घी लिया था, तो 5 टेबल स्पून आपने आटा लेना है, मतलब आधा लेना है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं होता और बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी खुशबू नहीं आती है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं 200 ml करीबन पानी ऐड कर रही हूँ। और एक चीज़ का आपको नोट रखना है, जब आप पानी ऐड करेंगे इसके बाद आपको अपनी करछी चलाते रहना है, बिल्कुल नहीं रुकना है, नहीं तो लम्स आ जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से मैं इसको चला रही हूँ और मैं लगातार चलाती रहूँगी जब तक इसका मुझे स्मूथ टेक्सचर नहीं मिलता है। अब आप देख सकते हो धीरे धीरे जो ये आटा है इसने और आटे ने जो है कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, इट मीन्स ये बनने लगा है, ये पकने लग चुका है। अब आप इसमें पानी ऐड करते रहिए, जितना आपको पानी ऐड करना है, जितना आपने इसको पतला बनाना है, जितना आपका बेबी पतला खाता है, मोटा खाता है, टेक्सचर वाला खाता है, अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं कर रही हूँ, मुझे वो गाढ़ा लग रहा था, मुझे सिर्फ उसको एक टेक्सचर देना था, सो मैंने वो दे दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी इतना ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं खाता, इतना थिक नहीं खाएगा वो।
सो गाइस, मैंने इसमें और पानी ऐड करके मुझे जितना ये पतला चाहिए था मैंने कर दिया है। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी जैगरी ऐड की है, नियर अबाउट आधा टेबल स्पून है ये, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। अब अगर आपका बेबी इससे भी पतला खाता है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हो और उसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए और आप अपने बेबी को फीड कर सकते हो। और बाई चांस अगर लम्स बनते हैं तो आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए और स्मूथ पेस्ट इसका रेडी हो जाएगा।